नमस्कार दोस्तों, संगीत कला म्यूजिक में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम सब एक अलंकार पलटा सरगम सीखते हैं, जो कि इसको तैयार करने से हारमोनियम बजाना और गाने में बहुत ही आसानी मिलता है, तो इसकी तैयारी हम सब करते हैं। तो इसको आइए समझते हैं एकदम विस्तार से, बारीकी से। पहले मैं ये आपको सचेत करना चाहूँगा कि ये हारमोनियम है। इस हारमोनियम में देखा जाए तो तीन सप्तक हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सप्तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सप्तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ से एक सप्तक। तो इसको बोलते हैं हम लोग मंद्र सप्तक, इसको बोलते हैं मध्य सप्तक, और इसको बोलते हैं तार सप्तक। तो ज़्यादातर गाना बजता है तो देखा जाए तो मध्य सप्तक में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहे जितना भी गाना हो सारा इसी में बज जाता है। एक दो स्वर नीचे की तरफ गिरता है और एक दो स्वर ऊपर की तरफ गिरता है, बाकी इतना ही दूर में दुनिया का कोई भी गाना हो बजेगा। अब बात करते हैं सरगम की तैयारी का। तो सा इसको मानना है, सा रे ग म प ध नि सा, एक सप्तक ये बन गया। और एक सप्तक में स्वर कितना होते हैं आप सभी को मालूम होगा ही, 12 स्वर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्वर ये हो गए जो शुद्ध होते हैं, और 5 स्वर होते हैं कोमल, जैसे 1 2 3 4 5, जिसमें एक तीव्र म आता है, ये बाकी ये कोमल इसको बोलते हैं। 1 2 3 4 कोमल हो गया, एक तीव्र म आता है। ये सारा मिला देते हैं तो 12 स्वर होता है। इस 12 स्वर में सारे के सारे गाना बज जाते हैं। अब आइए मैं इस सरगम को बताता हूँ, इसको आप सब तैयार कीजिए। सा ए है तो सा से सीधे म पर जाना है। सा पहले बजा के देख लेना है, सा म रे ग म ग रे सा, सा म रे ग म ग रे सा, सा म रे ग म ग रे सा,
रे पा गा मा पा मा गा रे, रे पा गा मा पा मा गा रे, गा धा मा पा धा पा मा गा, गा मा गा पा मा धा पा मा गा रे, मा नी पा सा ध नी सा नी ध प ध रे नी सा रे सा नी ध नी ग सा रे ग रे सा नी सा म रे ग म ग रे सा तो इधर से जब जाते हैं तो आरोह और इधर से वापस आते हैं तो अवरोह, आरोह करना है। इधर से जब हम जाएंगे तो इसको आरोह होता है। अब जो हम लोग बजा रहे हैं सा मा रे गा मा गा रे सा, इसको इतना बजाना है कि बिल्कुल अब अपने जुबान पर सेट हो जाए। यदि हारमोनियम पर हम नहीं भी जाते हैं तभी इसको बोले तो पकड़ में स्वर निकले, उसी स्वर पर जाके लड़े। जैसे हम बजा रहे हैं सा मा रे गा मा गा रे सा, सा मा रे गा मा गा रे सा, सा मा रे गा मा गा रे सा, रे पा गा मा पा मा गा रे, रे पा गा मा पा मा गा रे, गा धा पा मा धा पा मा गा। तो इस प्रकार इसको सेट करना है कि हम हारमोनियम नहीं भी बजा रहे हैं तो जो स्वर बोलते हैं उस पे जा करके एकदम बिल्कुल फिट हो जाए। तो इस अवरोह को हमको पूरा तैयार करना है। जब ये अवरोह परफेक्ट तैयार हो जाता है तो आरोह को तैयार करेंगे। और इसकी तैयारी मैं बोलता हूँ कि 2 से 3 हफ्ते लग जाएगा, क्योंकि एक एक जो ये पैटर्न है, स्वर है, इसको आप 5 से 10 बार जब बोलेंगे तो ये सेट होगा। जैसे बोलते हैं सा मा रे गा मा गा रे सा, इसको हम बजाएंगे 5 बार 7 बार 10 बार, जब तक सेट नहीं हो जाए तब तक इसको बजाते रहना है। जब ये सेट हो जाए तो इसको बजाएंगे रे पा गा मा पा मा गा रे, रे पा गा मा पा मा गा रे। ये 2-4-10 बार बजा देंगे सेटिंग हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते जाएंगे ग ध म प ध प म ग,
ये हो गया आरोह। अब इधर से जब वापस आएंगे तो बनेगा अवरोह। जब एस तैयार हो जाता है तो अवरोह तैयार करेंगे। ये कैसे है, सा प नी ध प ध नी सा नी म ध प म प ध नी ध ग प म ग म प ध प रे म ग रे ग म प म सा ग रे सा रे ग म ग नी रे सा नी सा रे ग रे ध सा नी ध नी सा रे सा प नी ध प ध नी सा सा प नी ध प ध नी सा। फिर वही चालू सा म रे ग म ग रे सा रे प ग म प म ग रे ग ध म प ध प म ग म नी प ध नी ध प म प सा ध नी सा नी ध प। रे ध सा नी ध नी सा रे सा प नी ध प ध नी सा। तो इसी तरह चलता रहेगा, जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे। इसको खूब अच्छी तरह से तैयार करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप सभी के समझ में आ गया होगा। आप सब इसको तैयार करें और इसका आनंद उठाएं। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।